मुरैना में सरकारी अस्पतालों में प्रशासनिक अधिकारी से मॉनिटरिंग कराने व विभागीय अधिकारियों को संचालनालय के बड़े पदों पर आसीन करने आदि मांगों को लेकर जिला अस्पताल के डॉक्टर गुरुवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक हड़ताल पर बैठे रहे, जिससे मरीजों को सही उपचार नहीं मिल सका। मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर महेश शर्मा और सचिव डॉक्टर बीएम शर्मा के द्वारा बताया गया कि शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ मध्यप्रदेश के 38 जिलों में चिकित्सक संपर्क यात्रा और सभी चिकित्सकों की मांगों के संबंध में 2 फरवरी को अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अतिरिक्त मुख्य सचिव को चिकित्सक महासंघ की मांगों से अवगत करा दिया था एवं चिकित्सक संपर्क यात्रा और आंदोलन के बारे में भी अवगत कराया गया था, लेकिन मांगे नहीं माने जाने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल से एक दिन पहले प्रदेश भर के डॉक्टर 16 फरवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक हड़ताल पर बैठे रहे। इस दौरान ओपीडी से लेकर इमरजेंसी तक मरीजों को अटेंड नहीं किया गया। 17 फरवरी से कोई भी डॉक्टर रोगियों का इलाज जिले भर में नहीं करेगा, जब तक कि राज्य शासन डॉक्टर्स की मांगों को मंजूर नहीं करेगा। 17 तारीख से शहर के नर्सिंग होम्स में भी इलाज नहीं मिलेगा और न ही प्रसव किए जाएंगे। जिला अस्पताल समेत सिविल अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ चिकित्सकों ने काली पट्टी बांध सरकार की बेरुखी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इसके साथ ही हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों का समर्थन करने के लिए कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष सहित सभी लोग मौके पर उपस्थित थे। जिला अस्पताल समेत सिविल अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ चिकित्सकों ने काली पट्टी बांध कर सरकार की बेरुखी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इसके साथ ही इमरजेंसी में बैठे डॉक्टर रस्टी पटेल, डॉक्टर अजय सिंह, डॉक्टर जगदीश टेगोर, डॉक्टर के शर्मा ने उपचार कराने आए मरीजों का उपचार किया। मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ और स्वशासी चिकित्सक संघ और सारे एलोपैथिक चिकित्सक जो गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, सबके सामूहिक तत्वावधान में इस आंदोलन का आयोजन किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश शासन से, चूंकि चिकित्सा सेवा चिकित्सक और मरीजों के बीच का रहता है, हमें धरातल पर पता है क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, उनको समझाने के लिए शासन से कई बार बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं थी। उसके बाद चरणबद्ध आंदोलन का तैयारी करेगी, जिसमें कल हमने 15 तारीख को सभी चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शित करते हुए अपना सारा कार्य किया। आज भी विरोध प्रदर्शन के स्वरूप में केवल 2 घंटे हैं, 10 से 12 के बीच में यहाँ बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई शासन हमारी मांगें सुन लें, जिससे हमें और जो मरीजों को जो दिक्कतें हो रही हैं उनको आगे ना हो। अगर हमारी शासन अभी भी मांगे नहीं सुनता है तो 17 तारीख से हमारी बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से पूर्णकालिक हड़ताल स्टार्ट होगी। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।